ताज नगरी में नकली दवाओं का खेल बदस्तूर जारी है, जिसे लेकर औषधि विभाग की आधा दर्जन टीमों ने मैं पुलिस फोर्स नकली दवा की सप्लाई करने वाली फर्म और फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था। दोनों जगह से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दवाओं का जखीरा भी जब्त किया गया है। आगरा में नकली दवाओं का काला खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नकली दवाओं का खेल खेलने वाले सौदागर शहर भर में सक्रिय हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बीते दिनों औषधि विभाग की टीम ने मई पुलिस के साथ राजोरा डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर 12 में नकली और एक्सपायरी दवाओं की रीपैकिंग पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ टैबलेट गाबा एक्सएनटी के संदिग्ध पाए जाने पर संचालक प्रदीप राजोरा और धीरज राजोरा से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह दवा मेडेंस हेल्थ केयर मथुरा से तैयार कराई गई है। टीम ने मथुरा स्थित फैक्ट्री पर भी छापा मारा। मौके पर हुई जांच में कार्टून गाबा एक्सएनटी की खाली स्ट्रिप के साथ स्ट्रिप पर ओवर प्रिंटिंग करने वाला उपकरण मिला। टीम ने स्ट्रिप तैयार करने वाली ब्लिस्टर मशीन सहित दवाओं को सील कर दिया है। पूरे मामले की जानकारी एसपी सिटी रोहन प्रमोद से ली गई तो उन्होंने ऐसी नकली दवाओं के सौदागरों पर शिकंजा कसने की बात कही। देखिए, लगातार कुछ दिनों से ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त टीमों ने कई जगह पर दबिश देके अवैध जितने भी ड्रग्स और मेडिसिन जो है वो बेचे जाते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई न करते हुए मुकदमे भी कई मुकदमे इसमें पंजीकृत करके बहुत लोगों को इसमें जेल भेजा गया है। एक ऐसी ही टिप जो है इन्फॉर्मेशन ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस थाना सिकंदरा पे दी गई थी। तो एक संयुक्त टीम का गठन करके राजोरा डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका दुकान है, जिनका गोदाम सिकंदरा एरिया में है, उसके ऊपर दबिश नकद दी गई। बहुत भारी मात्रा में लगभग 30 से 40 लाख रुपये की अवैध टाइप की दवाइयाँ, जिसमें किसी भी प्रकार का बैज नंबर MRP ये चीज़ें नहीं हैं। फर्जी जो प्रिंट किए हुए कार्टन्स पैकेट्स ये सभी वहाँ से जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही में ड्रग डिपार्टमेंट नगर द्वारा मथुरा क्षेत्र में भी इसी के चलते इसी के कनेक्शन में दबिश दी गई। वहाँ पे भी बहुत सारे जो प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो कि दवाइयों के पैकेट के ऊपर प्रिंटिंग किया जाता है, वो भी इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई है। बेसिकली ये लोग एक्सपायर्ड दवाइयों में भी काम करते थे, जिन दवाइयों के एक्सपायरी ख़त्म हो जाती एक्सपायर हो जाते थे, उन्हीं पैकेट के ऊपर थिनर लगा के जो बैज नंबर MRP एक्सपायरी डेट जो ये इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकाल के नई इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंट की जाती थी। 3 लोगों को इस पूरे प्रकरण में हिरासत में लिया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही रोहन प्रमोद ने बताया कि 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आगरा में नकली दवाओं के खेल पर लगाम लगती है या फिर पूरा खेल यूं ही राम भरोसे चलता रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।